वो कम आएगा सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव अ रेंज ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इसलिए आपके पास पास मुख्तलिफ़्स होने चाहिए आपकी जो वो कैबरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए फॉर इंस्टेंस अगर इंक्रीज आ रही है वैल्यू में तो इंक्रीज को बताने के लिए आपके पास वर्ड्स होना चाहिए इसी तरह अगर डिक्रीज आ रही है वैल्यू में तो डिक्रीज़ को बताने के लिए आपके पास मुख्तफ़ वर्ड्स होने चाहिए सो दैट्स वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लाइन ग्राफ के बारे में तो इस वीडियो में हम वर्ड्स सीखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो लाइन ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए सो लेट्स गेट स्टार्टड तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपवर्ड ट्रेंड के लिए कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो यानी कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस सिचुएशन में आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो तो जो वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हो अपवर्ड ट्रेंड के बारे में बात करने के लिए वो हैं राइज़ इनक्रीज क्लाइंप ग्रो एंड गो अपनी कि अगर वैल्यू इनक्रीज़ हो रही है बढ़ रही है तो उस सिचुएशन में आप इन में से कोई एक वर्ब यूज़ कर सकते हो और अगर आपको बार बार इनक्रीज की बात करना पड़ती है तो आपको मुख्तलि वर्ब यूज़ करना पड़ेंगे तो अब होता ये है कि जो हमें लाइनग्राफ मिलता है टास्क वन में वो नॉर्मली पास्ट के अबाउट होता है जिन कि पास्ट में कोई चीज़ हुई होती है और हमें डिस्क्राइब करना होता है इसलिए हमें पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना पड़ता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ती है तो इसलिए आपको वर्ब्स की सेकंड फॉर्म का भी पता होना चाहिए तो जो राइस की सेकंड फॉर्म है वो है रोज इंक्रीज की इनक्रीज क्लाइम की क्लाइंट ग्रो की ग्रू और गो अप की है वेंट अप अब इन वर्ब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे The values rose from 2005 to 2010. House prices increased in July. The number of tourists visiting Paris climbed. The number of coronavirus cases grew in March. Prices of petrol went up. तो जब इंक्रीज आ रही हैं तो आप इन वर्ब्स में से कोई एक वर्ब यूज कर सकते हो। You are not only required to write different verbs. बट यू आर ऑल्सो रिक्वायर टू राइट सेंटेंसेज विद डिफरेंट ग्रामर स्ट्रक्चर यानी कि आपको डिफरेंट वर्ड्स तो यूज करना ही हैं लेकिन आपको डिफरेंट सेंटेंसिस भी लिखना होंगे डिफरेंट ग्रामर का स्ट्रक्चर यूज करते हुए तो ये तो हमने सेंटेंसेज बनाए वर्ब्स को यूज करते हुए तो इन वर्ब्स की नॉन फॉर्म भी हैं जैसा किराइज़ की आर आइस इनक्रीज की एन इनक्रीज क्लाइम की अ ग्रो की अग्रोथ और जो वर्ब है गो अप उसकी नॉन फॉर्म नहीं है तो अब हम इन नॉन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे तो जब आपने नाउन को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है तो वो सेंटेंस आप शुरू करोगे देर से जैसा कि देर वॉज अ राइज इन वैल्यूज फ्राम टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड टेन तो इसका मीनिंग भी यही है कि जो वैल्यूज़ में इजाफा हुआ दो हज़ार पाँच छः दो हज़ार दस तक there was an increase in prices of houses in July. There was a climb in the number of tourists visiting Paris. There was a growth in the number of coronavirus cases in March. तो इस तरह जब आपको increase की बात करनी है graph में तो आप मुख्तलिफ verbs भी use कर सकते हो और मुख्तलिफ noun भी use कर सकते हो यानी कि आपको sentences भी different use करना होंगे क्योंकि आपको vocabulary के लिए अलहदा score मिलेगा और ग्रामर के लिए अलहदा स्कोर मिलेगा तो इसलिए आपको वो कैबलरी भी डिफरेंट यूज़ करना होगी और सेंटेंसेस भी डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करना होंगे ओके नाउ लेट्स लर्न वो कैबलरी फॉर डाउनवर्ड ट्रेंड यानी कि अगर वैल्यू में डिक्रीज़ आ रही है वैल्यू कम हो रही है तो उस सिचुएशन में आप कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हो तो अगर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आप जो वर्ब्स यूज कर सकते हो वो हैं फॉल डिक्लाइन डिक्रीज एंड ड्रॉप अब फॉल की जो सेकेंड फॉर्म है वह है फेल और ड्राप की ड्रॉप अब कुछ सेंटेंसेज बनाते हैं इन वर्बस को यूज करते हुए द वैल्यूज फेल फ्राम टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड टी के वैल्यू में कमी आई दो हजार पाँच से दो हजार दस तक हाउस प्राइस इन जुलाई द नंबर ऑफ़ करोना वायरस केसिस डिकीज इन मार्च प्राइसिस ऑफ पेट्रल ड्रॉप्ड तो अब इन वर्ब्स की नाउन फॉर्म देखते हैं फॉल की जो नाउन फॉर्म है वो है अ फॉल की अ डिक्लाइन डिक्रीज की अ डिक्रीज ड्रॉप की अ ड्रॉप अब नाउन को यूज करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा जब हमने नाउन के साथ सेंटेंस बनाना है तो हम सेंटेंस को शुरू करते हैं देर से देर वाज अ फॉल इन वैल्यूज फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव टू टू थाउजेंड टेन देर वाज अ डिक्लाइन इन ऑफ प्राइसिस इन जुलाई देर वाज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन मार्च देर वाज अ ड्रॉप इन प्राइसिस ऑफ ऑयल अब आप वर्ब्स यूज करते हो या नाउंस यूज करते हो जो मीनिंग है वो सेम रहता है बट यू शुड मेक सम विद वर्ब्स

जब आप पास्ट में बात करोगे तो इसे आप कहोगे डेट नाट चेंज रिमेन स्टेबल तो जब आप पास्ट की बात कर रहे हो तो आप कहोगे रिमेन्ड स्टेबल उसके बाद आप जो वर्ड यूज कर सकते हो वो है रिमेन कॉन्स्टेंट और अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो रिमेंट कॉन्स्टेंट या फिर आप कह सकते हो रिमेन्ड द सेम या फिर स्टेड द सेम ओके नाउ लेट मी शो यू अ ग्राफ अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इस ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि एक चैनल है जिसका नाम है चैनल वन न्यूज़ उसने जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने व्यूज़ हासिल किए अब हमें टाइम के बारे में भी बताया जा रहा है कि एक बजे इसने कितने व्यूज़ हासिल किए छः बजे कितने साढ़े नौ और ग्यारह बजे कितने व्यूज़ हासिल किए जो कि हमें बताया जा रहा है डिफरेंट लाइन से लेकिन अगर आप देखें एक बजे वाली लाइन को तो आप देख रहे हैं कि एक बजे वाली लाइन में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है यानी कि एक बजे जितने व्यूज़ आए जनवरी से लेके दिसंबर तक उनमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है तो इस लाइन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो तो अगर तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होती यानी कि जो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है वो भी ना होती तो हम कह सकते थे द फिगर फॉर द वन पी एम स्टेबल द फिगर फॉर द वन पी एम रिमेंट कॉन्स्टेंट द फिगर फॉर द वन पी एम रिमेंट द सेम या फिर द फिगर फॉर द वन पी एम स्टेट द सेम तो ये मुख्तलिफ हम यूज कर सकते हैं जब कोई चेंजिंग नहीं आ रही है लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है तो इसे हम कैसे बता सकते हैं तो जब थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही हो तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो द फिगर फॉर द वन पी एम न्यूज़ रिमेंट फेयरली स्टेबल यहाँ पर हमने एक एडवर्ब एड कर दिया है फेयरली यानी कि जो वन पी एम न्यूज़ की फिगर है वह फेयरली स्टेबल थी यहाँ फिर आप कह सकते हो द फिगर फॉर वन पी एम स्टेड रफली द सेम तो अब अगर बात करें कि हर माह कितने व्यूज़ आ रहे हैं एक बजे तो वह अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट थ्री मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं हर माह तो ये भी हमको बताना पड़ता है तो इसको हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं फिगर फॉर द वन पी एम रिमेन फेली स्टेबल एट अराउंड वन पॉइंट थ्री मिलियन अब हमने अपवर्ड ट्रेंड के बारे में भी बात कर ली डाउनवर्ड ट्रेंड के बारे में भी बात कर ली और अगर वैल्यू कॉन्स्टेंट है यानी कि अगर कोई चेंज नहीं आ रही उसके बारे में भी बात कर ली लेकिन अगर वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट की जो सेकेंड फॉर्म है वो है फ्लक्चुएटिड वो जो नाउन फॉर्म है वो है फ्लक्चुएशन अब अगर आप ग्राफ को देखें तो जो 6 पीएम की लाइन है यानी कि जो येलो लाइन है तो उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है यानी कि ऊपर नीचे हो रही है तो इसे हम कहते हैं द वैल्यू इज फ्लक्चुएटिंग अब इस लाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं द फिगर फॉर द सिक्स पी एम बिगेन द ईयर एट फोर पॉइंट एट मिलियन इट फ्लक्चुएटेड बट द जनरल ट्रेंड वॉज डाउन वर्स एंड इट एंडेड द ईयर एट थ्री पॉइंट फोर मिलियन अब हमने इस एक सेंटेंस में पूरी लाइन को डिस्क्राइब कर दिया है यानी कि जनवरी में फोर पॉइंट एट मिलियन व्यूज़ आए तो हम कह रहे हैं कि साल के शुरू में छः बजे जो व्यूज़ थे वो थे फोर पॉइंट एट मिलियन इट फ्लक्चुएट यानी कि इसके बाद जो व्यूज़ हैं वो फ्लक्चुएट हुए बट द जनरल ट्रेंड फर्स्ट डाउनवर्ड्स अब यहाँ पे बात ये हो रही है इवन दो जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा या कम हो रहे हैं लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स हैं यानी कि व्यूज़ कम हो रहे हैं यानी कि अगर आप जनवरी में देखें तो 4.8 मिलियन व्यूज़ थे और अगर आप दिसंबर में देखें तो अबाउट थ्री मिलियन थे एंड इट एंडिड द ईयर एट थ्री मिलियन यानी कि साल के आखिर में इसने मिलियन व्यूज़ हासिल किए अब अगर आपने इसको नउन फॉर्म के साथ बताना है तो आप कहोगे देर वॉज अ फ्लक्चुएशन यानी कि बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा जहां पे आपने वर्ब यूज किया है इट फ्लक्चुएटेड वहां पे आप यूज कर दोगे देर वॉज अ फ्लक्चुएशन नाउ लेट्स लर्न एडज एंड फॉर द डिग्री ऑफ द चेंज यानी कि हमें यह भी बताना होता है कि चेंज किस किस्म की आ रही है यानी कि चेंज बड़ी हो सकती है चेंज एवरेज हो सकती है या चेंज कम हो सकती है तो उसको हम कैसे बता सकते हैं बट फर्स्ट लेट्स लर्न वो कैबरी वेन द चेंज इज़ वेरी एक्सटेंसिव यानी कि जब चेंज बहुत बड़ी है तो उस सिचुएशन में हम कौन से एबजेक्टिव्स और कौन से एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं तो जो एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं हम वो हैं शार्पली ड्रामेटिकली enormously, tremendously, तो ये एडवर्ब्स हैं और जो इनके adjectives हैं शार्पली का शार्प ड्रामेटिकली का ड्रामेटिक enormously का enormous और ट्रामेंडसली का ट्रामेंडस अब अगर आप ग्राफ को देखें तो इसमें से बहुत बड़ी चेंज कौन सी है तो अगर आप 11 पी एम वाली लाइन को देखें यानी कि ग्रीन लाइन को देखें तो मई से लेके अगस्त में जो चेंज आ रही है तो बहुत बड़ी चेंज है और जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तो इसके लिए हम ये एडवर्ब्स और ऑब्जेक्टि यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है तो आप देख सकते हैं कि जो व्यूज़ हैं वो बढ़ रहे हैं तो इसलिए ये अपवर्ड ट्रेंड है तो अपवर्ड ट्रेंड के लिए जो हमने वर्ड सीखे उनमें से कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हो आप रोस इंक्रीज क्लाइंट ग्रू वेंट अप तो इसको हम सेंटेंस से डिस्क्राइब करते हैं द फिगर फॉर सिक्स पी एम इंक्रीज शार्पली फ्रॉम मई टू अगस्त अब यहाँ पे आप इंक्रीज की जगह रोज़ भी यूज कर सकते हो इंक्रीज क्लाइम्ड ग्रू या फिर वेंट अप भी यूज़ कर सकते हो और शार्पली की जगह आप इन चार एडवर्ब्स में से कोई सा एडवर्ब यूज़ कर सकते हो द फिगर फॉर इलेवन पी एम न्यूज़ इंक्रीज शार्पली इंक्रीज ड्रामेटिकली Increased इनॉमसली increased ट्रमेंडसली तो इस चेंज को आप एडजेक्टिव्स के साथ भी बता सकते हो तो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं नाउन के साथ और जो एडवर्ब यूज होता है उसको हम वर्ब के साथ यूज़ करते हैं क्योंकि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है तो यहाँ पे हमने एडवर्ब को यूज़ किया है वर्ब के साथ यानी कि इंक्रीज चापली increased dramatically, increased enormously, increased tremendously. तो अब हम एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं नाउन के साथ तो सेंटेंस बनाते हैं देर वॉज अ शार्प राइज इन एलेवन पी एम फिगर अब आप शार्प की बजाय ड्रामेटिक भी कह सकते हो इन नॉर्मस भी कह सकते हो या फिर ट्रामेंडस भी कह सकते हो जैसा कि देर वॉज अ शॉप राइज देर वाज अ ड्रामेटिक रॉइस देर वाज एन इन नॉर्मस रॉइस देर वाज अट्रामस अगर तो वैल्यू अचानक बढ़ ही हो जैसा कि यहाँ पे हो रहा है जो कि व्यूज़ हैं वो मई से लेके अगस्त में बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं तो इस सिचुएशन में हम दो और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सोअर्ड या फिर सर्च तो हम कह सकते हैं द फिगर फॉर 11 पीएम एम सोर्ड इन अगस्त या फिर द फिगर फॉर एलेवन पी आई एम सर्चड इन अगस्ट ओके कैन लेट्स टॉक अबाउट इफ़ द चेंज इज़ एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव का मीनिंग है बड़ी यानी कि चेंज अगर बड़ी हो लेकिन बहुत बड़ी ना हो तो उस सिचुएशन में हम एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं कंसिडरेबली रिमार्केबली सिग्निफिकेंटली या फिर सब्सटेंशियली और इनके जो एडजेक्टि हैं कंसिडरबली का है कंसिडरेबल रिमार्केबली का रिमार्केबल सिग्निफिकेंटली का सिग्निफिकेंट और सब्सटैशली का जो एडजेक्टिव है वो है सब्सटैंशियल तो यहाँ पे एक बड़ी चेंज कौन सी हो सकती है अगर आप रेड लाइन को देखें नाइन थर्टी पी वाली लाइन को तो यहाँ पर जो चेंज आ रही है व्यूज़ में अगस्त से ले कर में उसे हम एक बड़ी चेंज कह सकते हैं तो ये एक बड़ी चेंज है यानी 1.5 मिलियन की चेंज है तो इसे हम एक बड़ी चेंज कह सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी चेंज नहीं कह सकते तो यहाँ पे हम ये एडजेक्टिव और एडवर्बस यूज़ कर सकते हैं सो लेट्स यूज दम द फिगर फॉर नाइन थर्टी पी एम रोज कंसिडरेबली फ्राम अगस्त टू सेप्टेम्बर तो कन्सिडरेबली की जगह आप ये एडवर्बस भी यूज़ कर सकते हैं रोज़ रिमार्केबली रोज़ सिग्निफिकेंटली या फिर रोज़ सब्सटैशली यानी कि इससे हम बता रहे हैं कि जो चेंज है वो एक बड़ी चेंज है नॉ लेट्स मेक अ सेंटेंस यूजिंग एडजेक्टिवस there was a considerable increase in 9:30 p.m. figure. So again, considerable की जगह आप remarkable भी use कर सकते हो, significant भी और substantial भी. तो so आप कह सकते हो, there was a remarkable increase, significant increase या फिर substantial increase. तो so इन सब का जो meaning है वो ये है कि जो change है वो एक बड़ी change है. ओके okay, अब बात करते हैं average change के बारे में. यानी कि ऐसी change जो कि ना तो बड़ी है और ना ही छोटी है उस चेंज को बताने के लिए हम जो एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हैं वो हैं नोटिसबली मार्किडली मॉडरेटली अब नोटिसबली का जो एडजेक्टिव है वो है नोटिसबल मार्किडली का मार्क्ड मॉडरेटली का मॉडरेट अब इस ग्राफ में एवरेज चेंज कौन सी हो सकती है अगर आप यहाँ पे 6 पी एम वाली लाइन को देखें येलो लाइन को सितंबर से लेकर नवंबर तक तो जो व्यूज़ हैं वो तो डिक्रीज़ हो रहे हैं और अगर आप सितंबर में व्यूज़ देखें तो अबाउट फोर मिलियन व्यूज़ थे और जो नवंबर में व्यूज़ आ रहे हैं वो हैं थ्री पॉइंट टू मिलियन व्यूज़ यानी कि जो चेंज आ रही है वो ज़ीरो पॉइंट एट मिलियन की चेंज है तो ये एक बहुत बड़ी चेंज नहीं है और ना ही बड़ी चेंज है तो इसे हम एवरेज चेंज कह सकते हैं तो यहाँ पर हम ये वाले जो एबजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं द फिगर फॉर सिक्स पी एम ड्रॉप नोटिसबली फ्राम सप्टेम्बर टू नवम्बर तो नोटिसबली की जगह हम ये वाले एडवर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं मॉडरेटली या फिर मार्केटली अब इस चेंज को हम एडजेक्टिवस के साथ बताते हैं देर वाज अ नोटिसबल ड्रॉप इन सिक्स पी एम फिगर देर वाज अ मार्क्ड ड्रॉप इन सिक्स पी एम फिगर या फिर देर वाज अ मॉडरेट ड्रॉप इन सिक्स पी एम फिगर ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट इफ द चेंज इज स्मॉल यानी कि अगर चेंज छोटी है तो उस सिचुएशन में जो हम एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं वो हैं स्लाइटली मिनीमली मार्जिनली तो स्लाइटली का जो एब्जेक्टिव है वह स्लाइट मिनिमली का मिनिमल और मार्जिनली का मार्जिनल तो इस ग्राफ में एक स्मॉल चेंज हम किसे कह सकते हैं तो अगर आप रेड लाइन को देखें यानी कि 930 थर्टी वाली लाइन को तो नवंबर से लेके दिसंबर में जो चेंज है तो उसे हम एक छोटी चेंज कह सकते हैं क्योंकि अगर आप नवंबर में व्यूज़ देखें तो वो 3.8 मिलियन व्यूज़ थे और दिसंबर में जो व्यूज़ आ रहे हैं वो चार मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं तो ज़ीरो पॉइंट टू मिलियन की चेंज है तो इसे हम एक छोटी चेंज कर सकते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाले एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं द नाइन थर्टी फिगर ग्रू स्लाइटली फ्राम नवम्बर टू दिसंबर तो यहाँ पर हम दूसरे एडवर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं ग्रू मिनिमली या फिर ग्रू मार्जिनली फ्राम नवम्बर टू दिसंबर और अब इसको हम एडजेक्टिव्स के साथ बताते हैं